हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आज 3 नवंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला गया और ये जो नोटिफिकेशन है आपके एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया, कितना एक्सटेंड किया गया, आज की वीडियो में ये जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 2019, 2020, 2021 बैच के स्टूडेंट है, प्लस 2022 और 2023 के न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया, उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो नोटिफिकेशन रेगुलर और एनसी बैप के लिए ओनली, यानी इस एसओएल के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। तो उन सभी को ये बताया गया कि आप सभी को जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो लास्ट डेट आपकी है वो है 13 नवंबर रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करना होता है, जबकि एसओएल वालों को कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता क्योंकि उनका सब एडमिशन के टाइम पर ही फॉर्म होता है। तो रेगुलर और एनसी बैप के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी ईआर आ रखी है किसी सब्जेक्ट में, उन सभी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करना है 13 नवंबर तक, यानी मंडे तक आपको फॉर्म फिल करने का मौका दिया गया है। और तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको slc.eod.edu ये जो पोर्टल का लिंक है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एनरोलमेंट नंबर आपका होना चाहिए। एक्चुअली जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया था 2023 सेशन में, उनके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं आया था जिसकी वजह से इस फॉर्म को एक्सटेंड किया गया। तो अब मुझे लगता है एनरोलमेंट नंबर सबको मिलना शुरू हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो कॉलेज जाकर संपर्क करें, वहीं से आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। बाकी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं 2022 और 2021 बैच वाले, आप सभी भी एलिजिबल हो, आप भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। विदाउट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आप एडमिशन नहीं दे सकते, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस मोस्टली ज़्यादा नहीं जा रही है, एसओएल से तो कम ही जा रही है। बाकी एसओएल के लिए ये बोल रखा है कि एसओएल का जो भी एग्ज़ाम फॉर्म निकाला जाएगा सेपरेट निकाला जाएगा। ये नोटिफिकेशन ओनली फॉर ओनली रेगुलर और एनसी बैप वालों के लिए। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर CBCS प्लस NAP के जितने भी स्टूडेंट हैं 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया, 2022, 2021, 2020 और 2019, उन सभी की जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके 13 नवंबर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।